हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे मखाने की सब्जी। यह टेस्टी सब्जी आपने अक्सर शादियों में खाई होगी और आज हम यह रिच ग्रेवी वाली सब्जी को बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाएंगे जैसे कि शादियों में बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं मखाने की सब्जी बनाना। सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक मिक्सिंग जार लूंगी और इसमें मैं डालूंगी प्याज। ये मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसको रफली चॉप किया है, और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी 4 टमाटर, ये भी मीडियम साइज के हैं और इसको रफली चॉप किया है। इन दोनों को पीस कर हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। ये देखिए, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी काजू। ये मैंने 10-15 काजू लिए हैं और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसको शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा इसको गोल्डन करेंगे। इसको फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी गरम तेल में मैं डालूंगी मखाने। ये लगभग 2 कप मखाने हैं। इसको भी हम शैलो फ्राई करेंगे। इसको भी इसी तरह लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाए। इसको हमें रोकना नहीं है, इस तरह से चलाते रहना है। ये देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी गरम कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्ची। साथ में डालूंगी 2 तेज पत्ते और इसी के साथ डालूंगी 2 साबुत लाल खड़ी मिर्ची। इन सभी को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। खड़े मसाले डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये थोड़े से भून गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर प्याज का पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था। इसको इस तरह से हम लगातार चलाएंगे। तेल और मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम लो टू मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची। ये 2 हरी मिर्ची को मैंने लंबा कट करके लिया है। इन सभी को हम थोड़ा सा भुनने देते हैं। ये देखिए, टमाटर थोड़े थोड़े भुन गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर मैं डालूंगी 2 टीस्पून। नमक मैं डालूंगी स्वादानुसार। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको लगभग 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए, मसाला थोड़ा थोड़ा भुन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप मटर। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। मसाले के साथ मटर को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको 2-3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, थोड़े थोड़े पक गए हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी रिलीज होने लगा है। अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्ची। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। इसमें थोड़ा सा इस तरह से पानी ऐड करूंगी। पानी और लाल मिर्ची को इस तरह से चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको मैं मसाले में मिक्स कर दूंगी। मसाले के साथ लाल मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और 2-3 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को भी हम मसाले के साथ थोड़ा सा पकने देते हैं।
ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी लगभग आधा कप पानी। पानी और मसाले को अच्छे से हम इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी अच्छी ग्रेवी है। अब इसमें मैं डालूंगी मखाने जो अभी हमने शैलो फ्राई किए थे। साथ में डालेंगे काजू शैलो फ्राई किए हुए। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये मेरे को थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। पानी डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक के रखेंगे लगभग 1-2 मिनट के लिए और इसको अच्छे से पकने देंगे। लगभग 1 मिनट हो गया है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए डालेंगे। इससे खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल शादियों वाला टेक्सचर इसमें आया है। कितना अच्छा टेक्सचर इसका है, ये देखिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए सब्जी को मैं बॉल में निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए कितनी अच्छी शाही मखाने की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।